सब्सक्राइब करें ऑसम हिंदी फैक्ट्स को और बेल आइकॉन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट वीडियोस देखने के लिए। हमें ज्यादातर लोगों को यही जानकारी है कि ताजमहल बनने के बाद बादशाह शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन यह बात सच नहीं है बल्कि झूठी फैली एक अफवाह है। इस अफवाह का प्रसार शाहजहां काल से लेकर आज के आधुनिक समय में भी बदस्तूर जारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ताजमहल के निर्माण में 20,000 कारीगरों ने काम किया था। जब ताजमहल बनकर पूरी तरह तैयार हो गया तो यह अफवाह तेजी से उड़ी कि बादशाह शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए। इतिहासकारों के मुताबिक यह बात सच नहीं है। प्रमाणिक ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर इतिहासकार कहते हैं कि शाहजहां द्वारा कारीगरों के हाथ कटवा दिए जाने की बात सरासर निराधार है, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों से सिर्फ जिंदगी भर काम करने का वचन लिया था तथा बदले में कारीगरों को जिंदगी भर अच्छा वेतन दिया था, जिससे वह एक अच्छी जिंदगी बिता सके, जिससे यह साबित होता है कि शाहजहां ने किसी भी कारीगर के हाथ नहीं कटवाए थे। बस उसने कारीगरों से जिंदगी में दोबारा काम न करने का वचन लिया था ताकि दुनिया में ताजमहल जैसी दूसरी इमारत का निर्माण न हो सके। फिर क्यों फैली यह अफवाह? जब शाहजहां ने कारीगरों के हाथ नहीं कटवाए तो फिर यह अफवाह कैसे फैली? आए पता करते हैं। असल में जब शाहजहां ने कारीगरों और मजदूरों से जिंदगी में दोबारा काम न करने का वचन लिया तो उसने उन्हें जिंदगी भर काम न करने के एवज में अच्छा वेतन दिया और उन्हें ताजमहल के पास ही नई बस्ती बसा कर दिया। कारीगरों और मजदूरों को जिंदगी भर काम करने से रोक देने को हाथ काटने की संज्ञा दी गई, जो आम जनता में अफवाह में बदल गई। जिन्होंने सच जानने की कोशिश नहीं की उन्होंने इस अफवाह को सच मान लिया। इस अफवाह का प्रसार आज के आधुनिक समाज में भी जारी है, लेकिन लोग अब साक्षर हैं। उन्हें ऐतिहासिक दस्तावेजों को पढ़कर अपने मन में व्याप्त भ्रांति को दूर कर लेना चाहिए।